दोस्तों, क्या आप YouTube पे कामयाब होना चाहते हैं और क्या आप स्ट्रगल करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर एक शौक है कि आप YouTube पे आकर जो है आप कमा पाए? क्या आपके अंदर YouTube के लिए कोई थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है? अगर आपके लिए थोड़ी सी भी YouTube के लिए इंटरेस्ट है, आपके अंदर थोड़ा बहुत पैशन मौजूद है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़े काम की हो सकती है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ जनाब, आप यूट्यूब पे कामयाब हो सकते हैं और वो भी जल्द से जल्द हो सकते हैं, मगर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई YouTube पे शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता है भी सही कि YouTube पे कोई शॉर्टकट नहीं चलता। अगर आपने YouTube पे कामयाब होना है, अगर आपने YouTube पे एक्सेस हासिल करना है, अगर आपने YouTube पे सब्सक्राइबर गेन करने हैं, इसके अलावा अपने व्यूज जो है बढ़ाने हैं, तो आपने चंद ट्रिक्स पे जो है अमल करना होगा। ये ट्रिक्स तो नहीं, मगर ये YouTube की जो रूल्स के मुताबिक थोड़े बहुत काम जो आप अंजाम देंगे तो आपको जो है YouTube पे सक्सेस दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं ये दावे से कह रहा हूँ, यकीन माने आप YouTube पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो बिल्कुल आसान बात है। आपने अगर YouTube पे सक्सेस हासिल करनी है तो चंद बातों का ज्यादा से ज्यादा जो है ध्यान करना होगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप YouTube पे कौन कौन सी वो गलतियां करते हैं, पहले बात करेंगे इन चीज़ों पे, बाद में बात करेंगे कि हमें कामयाब कैसे होना है। पहले गलतियों को दोहराएंगे, बाद में उनका सलूशन निकालेंगे। YouTube पे हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं? जी हाँ जनाब, हम YouTube पे बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं होते। सबसे पहली गलतियां ये हैं कि हमने YouTube पे कोई रूल नहीं बनाया होता। हम बस जब जैसे आता है, कोई कैटेगरी नहीं हम सिलेक्ट करते और इसके अलावा कोई शेड्यूल नहीं होता हमारी वीडियो अपलोड करने का। तो इस हवाले से काफी सारी बातें हैं जो ऐसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए इस बात से कि YouTube जो है कुछ चीजें जो है आप गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप शेड्यूल बनाएं, आप अपने वीडियोस अपलोड करने का शेड्यूल बनाएं। कोई भी चैनल होता है, फर्ज कर लें कि अगर उस चैनल पे आपका कोई शेड्यूल नहीं होगा तो जो बाहर से व्यूवर्स आएंगे आपको देखने के लिए, उनको फर्ज कर लें कि आपका शेड्यूल है और वो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वाजे तौर पर लिख लें कि ये चैनल आपको, इस चैनल पे आपको जो है वीकली वीडियो मिलेंगी, इस चैनल पे आपको डेली वीडियो मिलेंगी, इस चैनल पे आपको हफ्ते में दो वीडियो मिलेंगी, इस चैनल पे आपको एक महीने में एक वीडियो मिलेगी। तो इस हवाले से आप जो है अपनी क्लियर कर दें अपनी डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन में, कि आपको किस तरीके से वीडियो जो है अपलोड करनी है। बाद में आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल पे जो है आप अमल करते हुए वीडियोस को अपलोड करते रहें। और इसमें आपने ऐसा नहीं कि आपने दो माह वीडियो अपलोड की और उसके बाद दो माह छोड़ दिया और फिर दो माह आपने जो है वीडियो अपलोड की और तीन माह फिर छोड़ दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आपकी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से जो है आपका यूट्यूब जो है ग्रो नहीं होता। मैंने खुद ये गलतियां की हैं और उनसे सीख के आपको जो है थोड़ा बहुत तजुर्बा दे रहा हूँ। और इसके बाद जो है आप जो बड़ी गलती करते हैं वो ये गलती है कि आप जो टैग्स और टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसको मैच नहीं करते। आप जो टाइटल लगाए उससे रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन लिखें और जो डिस्क्रिप्शन लगाए उससे रिलेटेड आप जो है टैग्स लगाएं, यानी ये तीनों की जो है मैचिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप थंबनेल जो बनाते हैं, अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है, इस हवाले से आप जो है एक्सेस हासिल नहीं कर पाते और ये YouTube के एल्गोरिथम के खिलाफ है कि आप जो चीज बाहर डिफाइन कर रहे हैं वो आपकी वीडियो के अंदर नहीं मिल रही, तो इससे आपके चैनल को हो सकता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान। अगर आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर भी लिया, अगर आपने व्यूज कंप्लीट कर भी लिए, सब्सक्राइबर आपने गेन कर भी लिए, बाद में भी आपको जो है काफी ज्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। वो नुकसान ये है कि आपका चैनल अंडर रिव्यू चला जा सकता है। इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद भी आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू चला जाए तो ये बड़े दुख की बात होगी। और इन गलतियों से सीखें। और इसके बाद जो है काफी बड़ी गलती आप जो करते हैं
वो गलती ये है कि आप YouTube पे जो है अपना एक टाइम टेबल बनाएं, जैसे पहले बताया आपको कि आप अपने YouTube पे जो है टाइम बनाएं, टाइम टेबल आपका सही होगा। इसके अलावा आपकी YouTube पे जो कंटेंट है वो एक कैटेगरी के होने चाहिए। बड़ी गलती की बात कर रहा हूँ कि आप जो YouTube पे बड़ी गलती करते हैं, आपके जो कैटेगरी से रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनमें आप ज्यादा से ज्यादा गलती करते हैं। वो गलतियां ये हैं कि कभी आपने एक चीज की वीडियो बनाई, कभी आप दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड हो गए, और कभी आपने किसी और कैटेगरी से वीडियोस बनाई, तो एक कैटेगरी को पकड़ के आप चलते रहे, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं कि सक्सेस कैसे हासिल करें। तो यूट्यूब पे सक्सेस हासिल करने का तरीका ये है कि आप वीडियो क्वालिटी कंटेंट बनाएं। इसके अलावा आप जो है जो आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो उस टॉपिक को आप सर्च करें, जो आपको टॉप 10 में मिले उनसे कोई भी टाइटल लेके आप बाद में आखिर में अपने चैनल का नाम देके और टाइटल बनाएं, सेम डिस्क्रिप्शन बनाएं, और उसके अगर आपके पास ट्यूब बड़ी है तो आप उसके टैग्स जो है कॉपी करके अपनी वीडियो में लगाएं। यकीन माने आपकी यूट्यूब चैनल की जो वीडियोज हैं वो रैंक कर जाएंगी आपकी। ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको मैं जो है प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरी थोड़े से थोड़े व्यूज वाली जो वीडियोस हैं वो कैसे रैंक कर रही हैं। बिल्कुल हकीकत में बोल रहा हूं कि मेरी वीडियोस जो है थोड़े से व्यूज होते भी रैंक जरूर करती है, और उसका फायदा ये है कि आपको पीछे चल के जो है काफी सारा फायदा होने वाला है। तो ये एक पहली टिप थी या दूसरी टिप थी, और तीसरी टिप ये है बाद में जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पे जो है आप अगर रैंक होना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो इन चंद चीजों को जो है आप अपने ज़हन में रखें, इन चंद चीजों को लेकर आप जो है YouTube पे चलें। यकीन माने आप रेगुलर चलें, आप जो है कामयाब हो जाएंगे। आपकी ये 4000 घंटे या ये 1000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है। यकीन माने मेरा चैनल अब जो है कामयाब की तरफ जा रहा है, तो मैं छोटे से तजुर्बे से आपको एक तजुर्बा दे रहा हूँ, यकीन माने आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं YouTube पे, काफ़ी सारी कैटेगरीज को लेके चल सकते हैं, मगर एक कैटेगरी से रिलेटेड जो आपका चैनल होगा वो ज़रूर कामयाब होगा, यकीन माने। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाजमी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फाइनली एक दूसरी बात, आप हमारे चैनल पर यूट्यूब कोर्स जो है आपको हम पेश कर रहे हैं, YouTube की क्लासेस चल रहे हैं बाकायदगा से। आप अगर चाहते हैं कि आपको YouTube में थोड़ी बहुत जो है नॉलेज होनी चाहिए, हालांकि जिस चीज़ में आपकी नॉलेज होगी उस चीज़ में आप कामयाब होगे, अदरवाइज आप कामयाब ना हो पाएंगे, तो हमारे चैनल पे YouTube कोर्स चल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके YouTube कोर्स में जो है शामिल हो जाएं और डेली वीडियोज़ को वॉच करते रहें, इंशाल्लाह आप जो है YouTube कोर्स में बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों दुआओं में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।